चक्कर डोला चक्कर जाए डोला ये कटिंग ओए होए ओए कटिंग कटिंग सॉरी सॉरी कुछ नहीं देखा आप लोगों ने। अच्छा तो बहन और भाइयों आज का हमारा मुद्दा है वो मीडिया पेज है। तो लोकेशन हो गई चेंज, हम जाते हैं अब डिविंची में और मीडिया पेज को स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। तो क्या हेडफोन मैंने पहन लिया, अपनी गाड़ी का बख्तरबंद हमने बना लिया, सिंपली हमने डिविंची ओपन किया डबल क्लिक करके, ठीक है डिविंची हमारा ओपन हो रहा है। अच्छा तो फर्स्ट टाइम आप डिविंची ओपन करेंगे तो आपको लिस्ट व्यू में नज़र आएगा, सिंपली आप लोगों ने थोड़ा थंबनेल में चेंज करना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर नज़र आए, ठीक है। एंड देन पिछली क्लास में मैंने बताया था डेटाबेस किस तरह रीलिंक करते हैं, बट बहुत से लोगों को समझ नहीं आया था क्लियरली, तो मैं सिंपली क्या करूँगा पहले ओपन फाइल लोकेशन करूँगा हमारी जहाँ पर डेटाबेस पड़ी हुई, ठीक है, जो हमने बनाई हुई है उसकी लोकेशन में कंट्रोल सी करके कॉपी करके, ठीक है, मैं एक वर्डपैड में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि लोकेशन मेरे पास उधर ही सेफ रहे, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से इस डेटाबेस को पूरा का पूरा रिमूव कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या रहा है ऐड लाइब्रेरी मैं आपके सामने, ठीक है, ये रहा ऐड लाइब्रेरी, मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। सामने हमारे पास इस तरह दो ऑप्शन आ जाएंगे क्रिएट एंड कनेक्ट के, तो सिंपली मैं कनेक्ट पर क्लिक मारूंगा एंड ब्राउज पर जाके वो लोकेशन पे जाऊंगा। अब लोकेशन मुझे याद नहीं था एग्जैक्टली, मैंने उसको कॉपी जो किया था उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि यहाँ पे जाके मैं, भाई हमारे पास लोकेशन आ जाएगी। आप लोगों ने सिंपली सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है एंड देन इसका नाम जो भी रखते हैं आप लोग, मैं BOP रख रहा हूँ, ठीक है, ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान बैंक ऑफ पंजाब नहीं सही है, और इसकी मुझे ज़रूरत नहीं हो तो इसको नो सेव कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये वैसे का वैसे वापस आ जाएगा। ओवरऑल डेटाबेस हमारे पास जो थंबनेल्स है, ठीक है, उसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं साइजिंग से, ठीक है। अच्छा तो न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सिंपली हमारे सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि भाई न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे बनता है, तो हमने सिंपली क्लिक करना है और नाम जो भी रखना चाहे आप रखें, ठीक है, मैं BOP रखता हूँ, ठीक है, प्रैक PRAC प्रैक्टिस, ठीक है। एंड देन क्लियर बूम बूम चाओ, हमारे पास आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल डिविंची आपके सामने डायरेक्ट कट पेज में लेके जाएगा। तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाना है, वापस मीडिया पेज में जाना है। फर्स्ट टाइम आप मीडिया पेज में जाएंगे तो आपको मीडिया पेज कुछ इस तरह नज़र आएगा, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, श्रिंक पर क्लिक करना है, तो आप लोगों का नीचे जो मीडिया पूल है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक एरिया डिफाइन करता हूँ अलग से, हमारे पास ये है मीडिया स्टोरेज, ठीक है, ये हमारे पास क्लोन टूल है, ठीक है, इसका भी मैं आप लोगों को यूज़ बताता हूँ। ये हमारे पास व्यू बोर्ड है जिसमें हमें इमेजेस और वीडियो नज़र आती, ठीक है, ये हमारे पास ऑडियो है, मेटा डेटा जिसपे हमें फर्दर डिटेल बताई जाती है, ये हमारे पास इंस्पेक्टर है जिसपे हमारे पास ओवरऑल कंट्रोल होता है किस चीज़ का, फुटेजेस का, ठीक है। ये हमारे पास कैप्चर, जब हम किसी लाइव प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं और लाइव कैमरा हमने कनेक्ट किया होता है तो उसको हम कैप्चर पे काम करते हैं, बट फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आए थे मीडिया पूल में, इसमें हमारे पास ओवरऑल हमारे जो प्रोजेक्ट का डेटा है वो जमा होता है। अब पहले हम मीडिया स्टोरेज को कवर करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक साइड में छोटा सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसमें फाइल्स की ओवरऑल लोकेशन आ जाएगी। बट आप कहेंगे इसकी हमें क्या ज़रूरत है, हम तो इम्पोर्ट कर सकते हैं Ctrl+I करके, ठीक है, नहीं तो आप फाइल में जाएँ, इम्पोर्ट में जाएँ, बिन के नीचे जो हमारे पास एरिया है Ctrl+I इसका हमारे पास शॉर्ट की है, तो हम सिंपली इसको क्लिक करके उस जगह पर जाके वो फाइल भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको लेके जाता हूँ इस पर जो हमारे पास ब्लैक मैजिक का मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, जो आप लोगों के साथ डेटाबेस शेयर भी किया, ठीक है। मैं 1080 4K फुटेज ले रहा हूँ, मुझे ये पहले वाली फुटेज बहुत पसंद है, ये वाली हुंदा वाली बहुत मज़े की है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ एंड देन अच्छा फ्रेम रेट क्या कह रहा है, फ्रेम रेट चेंज करना है कि नहीं करना, बिल्कुल करना है हमने, और यस फ्रेम रेट चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका जो फ्रेम रेट होगा एग्जैक्टली हमारे पास वही फ्रेम रेट आ जाएगा। बट इसमें क्या हुआ, आपके पास एक फुटेज है, ठीक है, आपने इस तरह इंपोर्ट कर ली, दूसरा मेथड जो हमारे पास है सिंपली ओवरऑल जो सभी जानते हैं कि भाई किस तरह करना है, सिंपली हमने इधर गए यहाँ पे हम इसके BOP पे गए और यहाँ पे हमने फुटेज खाली पकड़ा ओवरऑल सबको और भाई ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये था फाइल इंपोर्ट करने का तरीका जो कि इमेच्योर है, ठीक है। इमेच्योर किस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग जो हैं प्रोडक्शन लेवल पे जब काम करेंगे या एक बड़ी प्रोडक्शन टीम के साथ काम करेंगे तो उसमें आपके पास डेटा इतना छोटी सी फाइल नहीं होगी, आपके पास कम से कम 600 GB 800 GB की फाइल होगी और डिफरेंट डेज पे होगी। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को अभी बातों से पकाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो तभी आप लोगों को डेमो करके दिखाता हूँ। ये हो गया भाई, हमने इस तरह इंपोर्ट किया। अब व्हाट इफ मैंने आपको डेमो दिया था, ठीक है, मैं अपनी हार्ड ड्राइव कनेक्ट करता हूँ। ये भाई 4 TB की हार्ड ड्राइव है जो हमने कनेक्ट करनी है, ठीक है, मैं अपने PC के साथ कनेक्ट करता हूँ। यस कनेक्ट होगी, ठीक है। मैं अपना एक प्रोजेक्ट आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के सामने एक लाइव डेमो पड़ा हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि चीज़ें काम कैसे करती, सही है। ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है, और मैं इसमें जाता हूँ अपने ही फोल्डर में एंड देन वी विल गो टू द नो रिक्वायर्ड नो न्यू फोल्डर। यस 0 to 1
तो अब ये क्या है, ये भाई मैंने एक क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, क्लाउड बेस्ड काम था, ठीक है, मतलब कि डिविची का जो क्लाउड है, यहाँ से बैठ के मैं एडिटिंग कर रहा था, वहाँ से वो बंदा जो है बैठ के देख रहा था, मुझे गाइड कर रहा था कि भाई आपने यहाँ पे जो कट लगाया ठीक नहीं है, यहाँ पे जो साउंड डिज़ाइनिंग की है वो ज़रा प्रॉपर और अच्छी कर लें, सो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क, ठीक है। वो भी मैं आप लोग को इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासों में समझाऊंगा कि भाई काम कैसे होता है, बट रियल टाइम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग एक प्रोजेक्ट किस तरह मिलता है, मतलब कि डिफरेंट फुटेजेस हम यहाँ पे इसका एक जो एक एक एपिसोड है उसका डिफरेंट नाम है 020 022, आई डोंट नो उसने ये नाम क्यों दिए, मुझे नहीं पूछ के दिए क्योंकि उसने उधर बनाए थे थाईलैंड का कोई एरिया था, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ठीक है, वेट अ सेकेंड, आईफोन लोरा भाई थोड़ा टाइम ले रहा है, हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट कनेक्ट किया है, तो इंतज़ार फरमाइए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, यस इट इज़ बट इट इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास एक, मैं आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ज़रा सा इंजॉय कर सकें मेरे साथ, आवाज़ बहुत ज़्यादा इसकी भेंगी किस्म की, तो मैं एक साइड पे लगाता हूँ, ठीक है। तो ये भाई इस तरह आप लोगों को डेटा मिलता है जो कि फुल रफ होता है, ठीक है, इस तरह ये एक हो गया, ठीक है, ये एक व्यू को हो गया, ये एलेक्स का दूसरा हो गया, ठीक है, और इस तरह हम जाते हैं भाई ये आईफोन की फुटेज, इसके बाद हमारे पास गोप्रो की अलग है, ड्रोन्स की अलग फुटेजेज हैं, ठीक है, तो इट्स प्रिटी हार्ड जब आप लोग इस तरह काम कर रहे हो कि भाई आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जंक फाइल में डेटा हो, मतलब कि आप लोग के पास डेटा बहुत ज़्यादा हो, तो आप लोग फिर क्या करेंगे, आप भी तब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एक एक फुटेज को, वही टेक्निकल तरीका करेंगे जो आप लोग सालों से क्या मैं कहता हूँ, जितने भी जो न्यू बच्चे हैं, ठीक है, वो सारे यही करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं भाई एक एक प्रोजेक्ट को खोल के जी डिफरेंट, और भाई यहाँ पर एक एक को देखते हैं कि जी ये फुटेज ठीक है कि नहीं ठीक, ये ठीक है कि नहीं ठीक, ये ठीक है कि नहीं ठीक, इट्स प्रिटी ओल्ड, ये बहुत पुराना तरीका है। अब आओ भाई मैं आप लोगों को एडवांस तरीका दिखाऊं कि डिविंची में हम इसको किस तरह अप्रोच करते हैं, ठीक है, क्लास में कह रहा हूँ थोड़ी लंबी होगी, बट माइंड ना करना, अगर काम सीखना है तो लंबी क्लासें लेना सीख जाओ, क्योंकि चीज़ों को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वो मैं बातों से नहीं पकाना चाहता आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग प्रैक्टिकल वो काम करें ताकि आप लोगों को रियल टाइम एक्सपीरियंस हो। अब मैं आप लोगों को कहूँ कि नहीं मैंने फलानी जगह पर इतने झंडे गाड़े थे, आप लोग मान जाएंगे नहीं मानेंगे जब तक आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा। सो कम टू द पॉइंट, डिविंची में थे हम, ठीक है, अब लिटरली मैं इसको पूरा करता हूँ डिलीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली एक लोकेशन ऐड करता हूँ, ऐड अ न्यू लोकेशन, ठीक है, मैंने लोकेशन ऐड करनी है, अब कहाँ की करनी है मैं आप लोगों को उसी प्रोजेक्ट का करके देता हूँ, ठीक है। वेयर्स शफ़ी में हमारे पास कौन सा था, न्यू फोल्डर एंड दैट्स 021, और इस पर हम करते हैं सिंपली ओवरऑल को, यस yes, ठीक है। अब लोकेशन तो मेरे पास ऐड होगी, अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तरह नज़र आ रहा है, लोकेशन ऐड करने का फ़ायदा अभी हम मीडिया स्टोरेज में, ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपली व्यू भी कर सकता हूँ कौन सी फुटेजेस अच्छी हैं कौन सी अच्छी नहीं है। अब ड्रोन के अंदर आए, ठीक है, अब ड्रोन के अंदर मैं फुटेजेस देखता हूँ, ठीक है, अब ये वाली फुटेज मुझे अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये डायरेक्ट मैंने हार्ड ड्राइव से कनेक्ट किया हुआ, ठीक है, अगर स्लो वगैरह हो तो माइंड ना करना आप लोग, ठीक है। ये एक और फुटेज है, ठीक है, सिंपली मैं इसको प्ले करके भी देख सकता हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है, स्टार्ट से गया, ठीक है, एंड दिस इज़ द ड्रोन फुटेज, अगेन मैं अगर 022 पे जाऊँ यहाँ पे देखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और जगह पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये तो आई थिंक सो ऑडियो है इनकी, अब रियल टाइम में ऑडियो भी अलग मिलती है और इट्स प्रिटी टफ, और अल्लाह का शुक्र है अच्छे से अप्रूव हो गया और बंदा भी खुश था, काफ़ी हैप्पी था, और इंशाल्लाह उम्मीद है वो वापस दोबारा ज़रूर आएगा मेरे पास, कॉज रीज़न काम अच्छा दिया तो भाई आपके पास बंदा लाजमी वापस आएगा। अभी आईफोन का मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है, अब इस पर क्या है मैं इस फुटेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, व्यू में कर सकता हूँ, ठीक है। बहनों और भाइयों एक छोटी सी टिप आप लोगों को बताऊंगा, जब भी आप इस तरह फुटेज को एनालाइज कर रहे हो या देख रहे हो या उसको जज कर रहे हो कि अरे ये जो क्लिप है ये ठीक है या नहीं है, हमारे हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके लिए सिंपली एक है कि जब आप कोई भी फुटेज एनालाइज करें, मिसाल के तौर पर फॉर डेमो मैं आप लोगों के सामने ये एक कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ, ठीक है, हावर करने से आप लोग वो फुटेज को इस तरह देख सकते हैं कि आया वो सही है कि नहीं है, बट ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कानों को चुभती है, इस तरह जब चेक करते हैं टू बी ऑनेस्ट बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है इसकी वजह से, तो इसका एक सिंपली फार्मूला है, लिख लें शिफ्ट एस, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा। अब इसको वापस आप लोगों ने अनम्यूट करना है तो सिंपली शिफ्ट एस करेंगे तो वापस हो जाएगा, इट्स इन ए शॉर्ट की, नहीं तो आप लोगों के सामने इस तरह ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस पर भी आप कर सकते हैं कि आप लोगों की ओवरऑल फुटेज म्यूट हो, ठीक है,
तो बट इस तरह जाके वापस क्लिक करेंगे तो इट्स प्रिटी 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 लॉन्ग वे, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारे पास लोकेशन ऐड करने का फ़ायदा। अब राइट नाउ हम उसी बी ओ पी पे जाएंगे, ऐड न्यू लोकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और देन ठीक है, अब हमारे पास आ गया 1080 अपने बहन भाइयों के लिए और 4K अपने लिए, मतलब कि जो भाई मैं नेट है मेरे पास, ठीक है, फ्लैक्स ही मारा है मेरे पास, फुला डुला नेट है, तो दैट्स वाई। अच्छा तो अब आ जाते हैं भाई अब अप्रूवन मेथड के, भाई किस तरह हम इसको इंपोर्ट करेंगे प्रॉपर इमेजेस को, प्रॉपर विद बिन्स और ओवरऑल जो हमारा डेटा किसी ने सेट करके रखा हो तो वो किस तरह हम करेंगे सिंपली। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो है आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से चेक करना है कि आया मेरी फ़ोटो यूटिलाइज़ भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये फ़ोटो मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ कि नहीं, ये और ये जो जो सी आपको फ़ोटो ठीक लग रही तो आप सिंपली उसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास बड़े मज़े की बात आ गई कि कह रहा है कि भाई बेटा सेकंड आपको जूम इन करके दिखा सकता हूँ कि आपको चेंज फ्रेम रेट और नॉट। बहन और भाई डिविंची कह रहा है मैं इसका फ्रेम रेट चेंज करूँ या ना करूँ, बिल्कुल करे, क्यों करे, जब अपने मोबाइल और सॉरी हम अपने मोबाइल या कैमरे से रिकॉर्डिंग करते तो हमसे वो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि भाई मैं फ्रेम रेट क्या रखूँ, हम कहते हैं भाई 24 रख लो, 30 रख लो या 60 रख लो, ठीक है। पहले आप लोगों को फ्रेम रेट की कहानी समझनी पड़ेगी, फ्रेम रेट कहते कैसे, इन सिंपल और फ्रेम रेट कहते हैं कि भाई जो हमारी वीडियो है, ठीक है, जो हमारी आंखों को वीडियो लगती है, ठीक है, दरअसल वो सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर होता है, मतलब कि 24 फ्रेम रेट पे वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, मतलब कि इसमें एक सेकंड के अंदर 24 पिक्चरें ली गई हैं, फ्रेम को मैं पिक्चर के मुशाबत दे रहा हूँ, मतलब कि इन सिंपल वर्ड एक वीडियो का एक सेकंड, ठीक है, जो 24 फ्रेम रेट पे हुआ है, मतलब कि इसमें 24 टाइम जो है फ्रेम इस पर कैप्चर हुआ है, मतलब कि 24 टाइम पिक्चर्स कैप्चर हुई, फ्रेम और पिक्चर पे आप लोग कन्फ्यूज हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोई कहता है 30 फ्रेम रेट रखो इसका, कोई कहता है 60 रखो, कोई कहता है 120, मतलब कि वो एक सेकंड में उतनी पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हैं, उससे वो वीडियो का एक सेकंड बन रहा है। सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आप लोग दिखाऊंगा स्लो, अगर आप 24 फ्रेम रेट पे रिकॉर्डिंग करें उसको स्लो करें तो वो ज़रा ऐसे लगेगा, और अगर मैं इसी को 120 फ्रेम रेट पे करके जंप मारूं फिर देखें क्या लगेगा। अब आ जाते हैं हम वापस इस टॉपिक पे, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर न्यू बिन बनाए सिंपली, यहाँ पे जो सी आप लोगों को फुटेज पसंद आ रही, ठीक है, ये वाली पसंद आ रही है, ये वाली पसंद आ रही है, जो सी पसंद आ रही है उसको पकड़ के इस तरह, हाँ यस वी वांट टू चेंज, और अगर आप लोग को ये पसंद आ रही है आप लोग उसको डाल लें, ये पसंद आ रही डाल लें, या ये जो है इसकी पसंद आ रही डाल लें, तो ये भी वही सेम तरीका हो गया। आप कहेंगे क्या हमें उल्लू बना रहे, तो नहीं, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को न्यू बिन बनाना सिखाता हूँ। न्यू बिन कैसे बनाते हैं, इस पर आप कोई भी नाम दीजिए, SAD इसमें डालते हैं, ठीक है, यस आई वांट टू चेंज, और भाई इस पर हमने 2-3 डाली, हम मास्टर पे हम वापस गए। तो ये भाई न्यू बिन बनाने का तरीका है। बट अब आते हैं हम ज़रा जो तरीका मैं सिखाना चाह रहा था वो ये था कि आप जो है प्री प्रोडक्शन थोड़ा काम कर लें, होमवर्क कर लें थोड़ा सा, कि जब आपके पास फोटेज आए ना तो आप सिंपली उसको बैठ के डिफरेंट फोल्डर में डिवाइड कर लें ताकि आप लोगों को जो है ना काम आसान हो जाए। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस ओवरऑल सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि भाई यस ऐड फोल्डर इनटू मीडिया पूल, ये एक हो गया कि सारे एक साथ सबको इसी तरह डाल लेगा, जो कि नॉन प्रोफेशनल वे से, ये कंट्रोल जेड वापस देके गया, इसको भी वापस देके गया, ठीक है, इनको भी लेके गया, और ये भाई सबको मैं हटा दिया। अब मैं अगेन सबको सेलेक्ट करता हूँ, कहता हूँ कि भाई ऐड फोल्डर एंड सब फोल्डर्स इन इट, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो भाई कहेगा यस आई वॉन्ट टू चेंज फ्रेम रेट, यस आई वॉन्ट टू चेंज। तो अब देखें हमारे पास मास्टर के अंदर 4K का अलग फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, 1080 का अलग पड़ा हुआ है, इसके अलावा ऑल इन वन का अलग पड़ा हुआ है हमारे पास, ए रोल का हमारे पास अलग पड़ा हुआ है, म्यूज़िक हमारे पास अलग पड़ा हुआ है, एंड वॉइस ओवर का हमारे पास अलग पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं इसको भी हाइड कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ। तो बहनों भाइयों आज के लिए हमारे पास मीडिया स्टोरेज इन इंशाल्लाह आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा हमारे पास किस तरह CRT फाइल काम करते हैं, प्रोजेक्ट डेटा कैसे काम करते हैं, मेटा डेटा, इसके अलावा पावर बिन्स पावर बिन और बहुत सी चीज़ें, हम डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके अलावा आप तो खाली सब्सक्राइब कर दें अपने भाई को, इस तरह आप लोग देखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और लव यू।